क्या आप भी फुल वॉल्यूम पर कान में एयरफोन लगाकर सुनते हैं गाना, तो आपके साथ भी हो सकता है बड़ा हादसा। आप एयरफोन के साथ करते हैं ये गलती तो खुद जाइए सावधान। अचानक से ब्लास्ट हो गया इस महिला के कान में लगा एयरफोन, हमेशा के लिए खत्म हो गई सुनने की क्षमता। वीडियो में समझे एयरफोन यूज करने का सही तरीका। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर इस्तेमाल करते हैं इस कंपनी का एयरफोन। अब ब्लास्ट होने की खबर से सबके कान हो गए खड़े, आप भी हैं अनजान तो होगा बड़ा नुकसान। स्मार्टफोन और पावर बैंक में आग लगने के मामले तो आपने सुने होंगे, लेकिन अब एयरफोन में ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। जी हाँ, अगर आप भी दिन भर एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं और कानों में लगाकर घूमते रहते हैं, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक महिला के कान में एयरबड्स ब्लास्ट हो गया है, जिसके बाद उसके सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो गई है। और एयरबड्स भी किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं था, ब्लास्ट होने वाला एयरबड्स सैमसंग जैसी नामी कंपनी का था। ये मामला तुर्की का है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी आपको जरूर सुनने को मिलेगी। पर आगे बढ़ने से पहले फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, इस घटना की रिपोर्ट सैमसंग के तुर्की फोरम पर की गई है, जिसमें कंपनी के नए एयरबड्स की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस घटना की तुलना सैमसंग के पिछले गैलेक्सी नोट 7 बैटरी संकट से की जा रही है। फोरम पर एक यूजर ने दावा किया है कि एयरबड्स का इस्तेमाल करते समय उनकी गर्लफ्रेंड के कान में एयरबड्स फट गए, जिससे उसके सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। शिकायत के बाद सैमसंग ने नए एयरबड्स देने की पेशकश की है, लेकिन सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कहा है। सैमसंग ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस घटना के बाद ये सवाल सामने आ रहा है कि क्या अन्य यूजर्स इस तरह की किसी घटना के शिकार हो सकते हैं। सैमसंग ने अभी तक ये नहीं बताया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित यूजर सैमसंग की जिम्मेदारी न लेने से निराश है। ये घटना सैमसंग की गैलेक्सी नोट 7 संकट की याद दिलाती है, जब बैटरी में लगातार आग लगने के बाद सैमसंग को अपने स्मार्टफोन का वैश्विक स्तर पर रिकॉल करना पड़ा था। अगर देखा जाए तो नॉर्मली 85 डेसिमल से ज्यादा आवाज किसी के भी कानों के लिए नुकसानदायक मानी जाती है। वहीं एक बार में 60 मिनट से ज्यादा देर एयरबड्स का कानों में लगे रहना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल आता है कि एयरबड्स का वॉल्यूम कितना रखें। एक बात का ध्यान रखें कि आपको एयरबड्स की आवाज कम ही रखना चाहिए, लगातार एयरबड्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, यूज करते टाइम बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए, हमेशा सही साइज के एयरबड्स का इस्तेमाल करें, एयरबड्स को टाइम टू टाइम क्लीन करें, इससे इन्फेक्शन से ही बचा जा सकता है। ज्यादा शोर वाली जगह पर एयरबड्स यूज ना करें। दरअसल ऐसे एरिया में आपको एयरबड्स का वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके कानों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। एयरबड्स को एक दिन में जितना कम समय के लिए यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप अपने जिम में या चलते फिरते घर या बाहर कोई काम करते टाइम यूज करते हैं, तो कानों को ही नहीं और भी कई नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, आपके आसपास भी कुछ ऐसी ही घटनाएं अगर घटी हैं, तो हमारे साथ वो साझा जरूर करिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए केवल इतना ही।